ये बात तुम ही अम्मी को समझाओ, बेटियों के घर इस तरह थोड़ी बसते हैं। माना कि नवीद की बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहां से चली जाएगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नवीद को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुस्तदरा का जेवर यूं ले जाकर किसी गैर औरत पर लुटा दे। उससे कहो सिद्रा का जेवर लेकर आए, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर सायमा भी जा सकती है सिद्रा के साथ, वापस आने की जरूरत नहीं है। अब्बा नहीं मान रहा, कह रहा है उस पर 40,000 का कर्जा है। तो ये है, जब तक कर्जा नहीं उतार देता तो मेरी शादी नहीं करा सकता, और उसके बाद भी जब कराएगा तो जहेज के बगैर कराएगा। तो दहेज मांग कौन रहा है तेरे बनी अब्बा से? अब्बे को कुछ मत बोल तनवीर, बस कर बस कर। बढ़िया ही हमदर्दन, मेरा कोई ख्याल ही नहीं है तुझे। तेरा ख्याल ना होता तो अभी तेरे साथ बैठ के बातें कर रही होती, नहीं ना? सुन तनवीर, खाला को भेज दे घर वापस अम्मा से बात करने के लिए, वो थोड़ा जोर जबरदस्ती करेगी तो क्या पता अब्बा शायद मान जाए। बहुत ढीठ है तेरा बाप और जमाने भर का लालची। अभी बोला ना तुझे, अब्बे को कुछ मत बोल। तो और क्या करूं, खुद इतने सारे बच्चे पैदा करके बैठा है ताकि सब भीख मांग कर लेकर आए और वो तख्त पे बैठा बीड़ी पीता रहे। अब्बा भी रात भर मेहनत करता है, पैसे कमा कर लाता है। रहने दे, मुंह मत खुलवा मेरा, देखा है मैंने पूरी रात ताश पत्ते खेलता है अड्डे पे। सच बोल रहा है तू? हाय मैं मर गई तनवीर, तुझे कैसे पता चला? अपनी ये इन आंखों से देखा है। हाँ, अब मैं समझी, तभी पूरा दिन सोता रहता है, अम्मा से सारे पैसे भी ले जाता है और वो कर्जा भी। हाय बाबा।